प्रतीत होता है रावण की बातों से माता सीता व्याकुल हो उठी हैं। अपना राजपाट और भाग्य गवा कर वन वन भटकता है, धरती पर सोता है। ये तो शंका हो रही है कि वो कहीं जीवित भी है कि नहीं। की तृष्णा इतनी भयंकर हो सकती है, इसकी कल्पना तक नहीं की थी मैंने। एक निरह पशु की माया में आकर दूसरे हिंसक पशु के माया जाल में फंस गई मैं। इस मृग तृष्णा का ही परिणाम है ये, जो बार बार मुझे अपने पति का अपमान सहना पड़ रहा है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि भूल जाओ उस भिक्षुक पति को, स्वीकार कर लो महाराज रावण को। रावण ही ने वो तुच्छ राक्षसिया भी मेरे स्वामी के प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग कर रही है, जो स्वामी का नाम लेने योग्य भी नहीं है। रघुकुल की प्रतिष्ठा को धूल धूसरित कर दिया है मैंने। उस दिन उनकी बात ना मानकर उनका अपमान क्या किया, आज औरों के मुख से उनके प्रति अपमानजनक बातें सुननी पड़ रही है मुझे। समस्त रघुकुल अपमानित हो रहे हैं आज मेरे कारण, कदाचित इसीलिए अब तक वो मुझे लेने नहीं आए। उनकी बात ना मानने का ही दंड है ये। सहस्त्रों राक्षसों का वध करने वाले महायोद्धा मेरे स्वामी रावण का अंत करने अब तक क्यों नहीं आए? क्या उन्हें ज्ञात नहीं कि मैं लंका में हूं? मैं चाहे तो तीनों लोकों में ढूंढ कर शीघ्र ही मुझ तक पहुंच सकते हैं, फिर इतना विलंब क्यों? क्या उन्होंने वैराग्य अपना लिया या मेरे वियोग में क्षत्रिय धर्म त्याग कर सन्यासी बन गए थे? या कहीं ऐसा तो नहीं कि मायावी रावण ने छल से मेरे स्वामी के प्राण हर लिए हो? कुछ तो हुआ है जो 10 माह व्यतीत होने तक भी वे मुझे मुक्त कराने यहाँ नहीं आए। ऐसी स्थिति में मैं स्वयं भी जीवित रहकर क्या करूंगी? मैं जीवित नहीं रहूंगी। माता सीता को ऐसा करने से रोकना होगा। माता को आश्वस्त करना ही होगा, किंतु 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 कैसे? कोई तो युक्ति निकालनी ही होगी जिससे माता भयभीत भी ना हो और उन्हें मेरी बात पर विश्वास भी आ जाए। अब तो मात्र एक ही विकल्प है मेरे पास। श्री राम के बिना मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं। अब तो यमलोक ही मेरे लिए एकमात्र स्थान बचा है जहां मैं स्वतः पहुंच सकती हूँ। नहीं, माता सीता ऐसा नहीं कर सकती। सीते। जय श्री राम। राम
श्री राम जय जय राम, राम श्री राम, श्री राम जय जय राम। रघुकुल में दशरथ आंगन में चंद्रमुखी श्री राम थे जन्मे। हर्षित उल्लासित थि दिशाएं, दीप अवध प्रज्वल घर घर में। राम श्री राम, श्री राम जय जय राम, राम श्री राम, श्री राम जय जय राम। स्वामी के नाम की ध्वनि यहाँ लंका में, ये कोई माया है या मेरा दिव्य स्वप्न या मेरा भ्रम? कुछ तो अच्छा होने का आभास हो रहा है मुझे। शिव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई, जीता स्वयंवर जान की पाई। पितृ वचन हेतु चले वन को, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम श्री राम, श्री राम जय जय राम, राम श्री राम, श्री राम जय जय राम। ये मधुर स्वर लहरी कहाँ से आ रही है? कोई मधुर स्वर में मनोहर सा गीत गा रहा हो जैसे। बहुत ही पवित्र और मन को शांत करने वाली ध्वनि है ये। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई मध्यम स्वर में लोरी गा रहा हो। यज्ञ में करते असुर अनिष्ठा, राम विनाश किए सब भ्रष्टा। पंचवटी बसे वध कर डाले, खर दूषण और ताट का दुष्टा। श्री राम, श्री राम जय जय राम, राम श्री राम, श्री राम जय जय राम। राम को विधि ने लेखी, रावण ने हर ली बैदेही। किष्किंधा सुग्रीव मिले तब, राम किए वध वाली अधर्मी। राम श्री राम, श्री राम जय जय राम, राम श्री राम, श्री राम जय जय राम। राम दूत बन कर एक वानर, लंका पहुंचा लांघ के सागर। चहू दिशा माँ जान की खोजी, दर्श दिए माता अब जाकर। राम श्री राम, श्री राम जय जय राम, राम श्री राम, श्री राम जय जय राम। राम श्री राम, श्री राम जय जय राम, राम श्री राम, श्री राम जय जय राम। प्रणाम माता। देखा स्वामी, कैसा अलौकिक, अद्भुत और पवित्रता से भरपूर क्षण है ये। आदेवेश्वरी, रामदूत हनुमान की ओर देवी सीता का प्रथम बार देखना, हनुमान का भी, अपनी श्रद्धेय माता सीता का ये प्रथम दर्शन, इन दोनों के दर्शनों का ये प्रथम क्षण श्री राम की कथा में सिद्धि सर्ग के रूप में जग प्रसिद्ध होगा। जो मनुष्य इस दृश्य का मन में भी अवलोकन करेगा या इसके बारे में पढ़ेगा या सुनेगा, उस पर श्री राम, देवी सीता और रामदूत हनुमान तीनों की अपार कृपा होगी। उन्हें सिद्धि एवं बुद्धि की प्राप्ति होगी। ये सत्य है या स्वप्न? वो गीत वाला वानर साक्षात मेरे समक्ष है, ये मेरे मन की कल्पना नहीं, सत्य है ये।
प्रभु श्री राम के नाम मात्र से माता का मुखड़ा प्रफुल्लित हो उठा है। जैसे घने मेघ छट जाने से सूर्यदेव चमक उठते हैं। विरह के अंधकार में आशा का सूर्य आलोकित करने वाले ये वानर श्रेष्ठ जो भी हो, हे प्रभु बृहस्पति, मेरी प्रार्थना है कि इनका कथन सर्वथा सत्य हो। हे परम पिता ब्रह्मा जी, इनकी कोई भी बात मिथ्या ना हो। अब बस माता मेरे कथन पर विश्वास करके सीता का विश्वास भी नहीं पा सका। दुष्ट रावण समझकर उन्होंने मुझसे अपना मुख फेर लिया। कैसी दुविधा है, मेरा हृदय कहता है ये वानर अवश्य रामदूत है, मेरे स्वामी ने ही इसे मेरे पास भेजा है, परंतु मन कहता है कि ये भी उस दुष्ट छद्मी रावण का कोई छल है। किस पर विश्वास करूं? माता, विश्वास कीजिए मेरा, मैं सत्य कहता हूँ, मैं रामदूत ही हूँ। मैं वानर हनुमान प्रभु श्री राम का अनन्य भक्त हूँ और उनके आदेश पर मैं आपको यहाँ ढूंढने प्रस्तुत हुआ हूँ। माता, एक वानर प्रभु श्री राम का दूत, ये कैसे संभव है? माता, मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। जब आपको ढूंढते हुए वलकल वस्त्रधारी नरसिंहों के समान पराक्रमी दो शूरवीर धनुर्धारी प्रभु श्री राम और उनके अनुज भ्राता लक्ष्मण ने ऋषिमुख पर्वत की सीमा में प्रवेश किया, तो उन्हें अपने भ्राता वाली के सहयोगी जानकर वानर राज सुग्रीव अपने जीवन को लेकर भयाक्रांत हुए। तब उनके निकट जाकर मुझे उन वनवासी राज पुरुषों की दिव्यता और महानता का बोध हुआ। तुम्हारे दिव्य कर्ण कुंडल और कंठार तुम्हारी पहचान है हनुमान, और मैं उन्हें अपने कांधे पर बैठाकर महाराज सुग्रीव के समीप ले गया। उसी दिवस प्रभु श्री राम और महाराज सुग्रीव के मध्य एक अक्षुण्ण मैत्री स्थापित हुई। दोनों ही अपनी भार्या के वियोग से त्रस्त थे और उन्होंने एक दूसरे की सहायता करने का प्रण लिया। तत्पश्चात प्रभु श्री राम ने महाराज सुग्रीव के अग्रज वाली का वध कर अपना वचन निभाया, तो महाराज सुग्रीव ने आपका समाचार प्राप्त करने दसों दिशाओं में अनेक योग्य वानर योद्धाओं को भेजा। मैं उन्हीं में से एक हूँ माता, और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए। हे माता, अब तो आपको विश्वास हो गया होगा माता कि मैं प्रभु श्री राम का ही दूत हूँ। हे कपीवर, यदि आप सत्य कहते हैं और आप मेरे प्रभु श्री राम के दूत बनकर यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो आपका मंगल हो। परंतु मेरा मन अभी भी अनेक शंकाओं से विचलित है, उनका निवारण करने हेतु आप मेरे प्रभु श्री राम की महिमा का विस्तार से वर्णन कीजिए, क्योंकि यदि आप रामदूत हैं तो आपको मेरे स्वामी श्री राम के सामीप्य का सुख लाभ प्राप्त हुआ होगा। हाँ माँ, हाँ हुआ है माँ। और आप उनके सभी उत्तम गुणों से भली भांति परिचित हुए होंगे। माता, आपके इन वचनों का श्रवण हनुमान के लिए अत्यंत सुखकर है। अपने आराध्य प्रभु श्री राम का गुणगान करना तो मेरा परम सौभाग्य है। प्रभु श्री राम का स्मरण और उनका नाम लेने के लिए तो ये भक्त सदैव आतुर है। सुनिए माता, सूर्य के समान तेजस्वी हैं वो और चंद्रमा के समान संपूर्ण जगत को शीतलता प्रदान करने वाले भी हैं। ऐसे हैं मेरे प्रभु श्री राम। रामचंद्र ज्ञानवान नम्र भा
सूर्य के समान धूप है, शंख जैसे भूखे रक्षाशील वो, विनय है सहनशील वो, बृहस्पति के तुल्य रघुवीर ज्ञानवान है, भक्त के कृपाल वो, शत्रुओं के काल वो, धर्मराज के समान राम न्यायवान है। राम नीतिवान है, वो सर्वशक्तिमान है, कैसे मैं विशेषता सुनाऊं प्रभु राम की। मन में लाख भाव है, शब्दों का अभाव है, मेरे ही मेरे चे बसे है राम ही राम है, मेरे ही मेरे चे बसे है राम ही राम है, मेरे ही मेरे चे बसे है राम ही। माता, मैंने अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रभु श्री राम के वर्णातीत गुणों का बखान किया। अपने प्रत्येक कथन से आपको अपना विश्वास दिलाने का यथासंभव प्रयास भी किया, परंतु मुझे ज्ञात है शंका की छाया जो आपके हृदय पर छाई है उसे हटाना कठिन है। परंतु माता, जब प्रभु श्री राम ने मुझे आपको ढूंढने भेजा था तब भी मुझे इस कठिनाई का अनुमान था, इसीलिए प्रभु श्री राम ने मुझे एक ऐसी असाधारण, अमूल्य और विशिष्ट निधि देकर भेजा है जो आपको भी प्रिय है और जिसे देखकर आप मुझ पर अवश्य विश्वास करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। ये देखिए माता, यदि आप सच्चे मन से सार्थक प्रयास करेंगे तभी आप किसी का भरोसा जीत सकते हैं।